खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र की सामने आई है, जहां पर सरजू नहर कर्मियों की जमकर पिटाई व बंधक बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ऐसे में पीड़ितों ने 3 लोगों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र सोनवा इलाके का पूरा मामला, जहां पर सरजू नहर कर्मियों की जमकर पिटाई की गई है और 2-3 व्यक्तियों पर बंधक बनाकर गाली गलौज तथा मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। अवैध तरीके से बनाए गए बंधे को हटवाने गए थे कर्मी। नहर विभाग के कर्मियों ने राजकीय कार्य में बाधा करने का लगाया आरोप। नहर विभाग के जूनियर इंजीनियर ने SP से कार्यवाही की मांग की। सोनवा थाना क्षेत्र के दिकौली गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर नहर के कर्मियों को बंधक बनाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस तथा उच्च अधिकारियों से भी की है। श्रावस्ती जनपद के सोनवा इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर दिकौली गांव के पास 2 लोगों को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है और पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। इस बारे में पीड़ित का क्या कहना है, सुनिए उसी की जुबानी। क्या नाम है आपका? बाबूलाल तिवारी, सिंचाई विभाग में। अच्छा, तो क्या मैटर हुआ है? वहाँ हम पहुँचे बंधा कटवाने। अब ड्यू सुबह कितने टाइम गए थे? हम सुबह 2 नहर से जैसे केसवा पर बजा वहाँ तो टेल पर गए थे। अच्छा, वहाँ हम पहुँचे 10 बजे। जहाँ का घटना है वहाँ 10 बजे पहुँचे, तो वहाँ गुड्डू नाम का कास्कर बंधा लगा गया और नहर काट के पानी लगा था। अच्छा, नहर से हम वहाँ पहुँचे तो बंधक लिए बात होने लगी, तो तब तक पवन और लोकस आ गए वहीं पर। उन्हीं के गांव के थे? हाँ, ये रत्नापुर के रहने वाले। अच्छा, तो ये लोग गाली गलौज बकने लगे और वहीं पर साइड पर हमको बांध दिए वहीं पर। आपको बंधक बंदी बना लिया? हाँ, गया बांध दिया। आपके साथ में और कोई था? एक रहे बराती लाल में। अच्छा, वो कहाँ पे हैं? यही है ननपारे में। अच्छा, तो आपको बंधक बनाया गया उसके बाद में? उसके बाद में कम से कम वहाँ जब 10 बजे बंधक बनाया तो 3 बजे जो हमारे जेई साहब पहुँचे वहाँ रामनाथ मौर्या जी, तो हमको वहाँ से छोड़े। जैसे वहाँ से हमको ले गए दिकौली मोड़ पे। हाँ। और जब दिकौली मोड़ पे वहाँ फिर बैठा रहे। अच्छा। जब दिकौली मोड़ से हमारे जेई साहब पहुँचे तब छोड़ दिए, तब बात हो गई। और ये कह रहे थे कि मतलब शाम को जान से मार देंगे। अच्छा, जान से मारने की धमकी? हाँ, जान से मारने की धमकी और गाली गलौज का फेंक दिए। अच्छा, नहर में फेंक दो मार के। नहर में मार कर फेंक देने को कहा? हाँ, नहर में मार के फेंक दोनों को कहा और कहे अगर यहाँ दिखाई इस नहर पर पड़ोगे। अच्छा, तो तुम जिंदा रहोगे, यानी कि अब ड्यूटी पर भी नहीं जाओगे डर से उनके? हाँ, डर से। हम तो विभाग में बता दिया। अच्छा, तो इसकी सूचना थाना में दिया? थाना में कल एप्लीकेशन लिया नहीं। अच्छा, हाँ। क्यों नहीं लिया? मालूम नहीं क्यों नहीं लिया। अच्छा, तो आज फिर एप्लीकेशन देने गए तो क्या कहा? हाँ, अधिकारी लोग वहीं बैठे हैं। अच्छा, वो किसान यूनियन का कुछ लीडर है। अच्छा, कुछ किसान यूनियन बता रहे थे, क्या है उसका? यूनियन के है। अच्छा, जैसे गुड्डू जब बंधा लगाए उसके बाद वहाँ फोन को और लोकस को फोन किया तब वो लोग पहुँचे। अब ये लोग जो है किसान यूनियन के मतलब आप जब वहाँ पे पहुँचे तो आपने पूछा कि किससे मतलब पूछा है इसे? हाँ, तो आपको गाली गलौज दिए पवन वर्मा और लोकस पहुँचे तो बांध दिए हमको। अच्छा, वही पिलर खड़ा था, वही पिलर दोनों लोग को। हाँ, फोटो का वीडियोग्राफी है मेरे पास। अच्छा, वीडियो है आपके पास? हाँ, वीडियो है। हाँ, इनको